नगर के वार्ड नंबर 7 में शराब के नशे में दो लोगों ने चाचा भतीजी को लाठी डंडों से पीटा, रिपोर्ट दर्ज। खबर पुलिस थाना बैराड़ चेतन भगत आने वाली नगर के वार्ड नंबर 7 से है, जहां पर आज शराब के नशे में दो आरोपियों के द्वारा फरियादी और उसके चाचा के साथ नशे में मारपीट करने का मामला सामने आया है। फरियादी जगदीश पुत्र रोशन बाल्मीकि ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी भतीजी की माता पूजन के लिए शेरावाली माता मंदिर पर गए थे। उसी समय शराब पीकर आश्रित बाल्मीक और मिथुन बाल्मीक गाली गलौज कर रहे थे, जिसके बाद दोनों को फरियादी के द्वारा समझा बुझा कर भगा दिया गया। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही वह दोनों फरियादी के घर के सामने आकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर आरोपी मिथुन और आश्रित बाल्मीकि ने लाठी और डंडों से पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे उन्हें चेहरे और हाथ पैरों में कई चोटें आई हैं, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने बैराड़ थाने में दर्ज कराई है। उक्त मामले में पुलिस ने फरियादी जगदीश बाल्मीक की रिपोर्ट पर से आरोपी मिथुन बाल्मीक और आशिक बाल्मीक के विरुद्ध मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। किसने मारपीट की तुम्हें? जी सर, मैंने आशिक और मिथुन ने। मिथुन आशिक दोनों थे। किस बात को लेकर? वो गाड़ी दे रहे थे, माता पूजने के लिए गए थे। जी बच्चे, हमारी बच्ची की मतलब भतीजी की, तो माता पूजने थे। बहन दारू पी के सीधी कह रहे थे मारने मारने के चक्कर में, वो भाभी ने हमारी ने मना किया, तो उसे बहन उल्टी सीधी पंद्रह बीस बहू उठी थी उनके सामने, उनकी गंदी गंदी गाली थी। गंदी गाली देने के बाद हम फिर घर आ गए थे। घर कपड़ा उतार के सो रहा था, वो मतलब नहाने की तैयारी कर रहा था। मैं दोनों आके मुझे गाली दी, मैंने ना किया तो लड़का भी आ गया। जैसे जा रहा था गार्ड नहीं पकड़ी तो जिसको भी मारा। और फिर हमने भी घर को जाओ यार, तुम लड़ा नहीं दारू मार दिया तुमने। पूरा नाम कहाँ पे मार सकते तुम्हारे साथ? घर पे सात वार्ड में। सात वार्ड में तुम्हारे साथ किस बात को लेकर मारपीट हुई? जी सर, मेरी मम्मी से, मेरी मम्मी जिला गुर्जर से रहता, तो मैं